जो डिजिट होते हैं अंकों का बहुत महत्व होता है, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक डिजिट होते हैं। जीरो हमारा होल नंबर है, हेलो करो कर दिया, जीरो होल नंबर है, पूर्ण संख्या। और एक से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी यानी अनंत, यानी बड़ी सबसे बड़ी संख्या हम लिख ही नहीं जा सकती, उसको लिख नहीं सकते। जैसे सबसे छोटी एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 9। इस तरह एक अंक की दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 10, 0 यानी एक बनाएंगे, एक लिखेंगे और एक जीरो, 10 हो गई। इसके बाद दो अंकों की बड़ी संख्या 99, तीन अंकों की छोटी संख्या 1 और 00, 100 हो गया। इसके बाद तीन अंकों की 999 अप टू, इस तरह ये अंक है यानी कि हमारा ये सब नंबर है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। जीरो यानी शून्य आपकी पूर्ण संख्या है, और एक से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इन्हीं अंकों का खेल, अंकों का जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना ये सब चीजें होती हैं। तो सबसे पहले होता है कि कोई भी संख्या लिखी हुई है उसको शब्दों में लिखना, अगर अंक में लिखा है तो शब्दों में लिखना है, और शब्दों में लिखा है तो अंक में लिखना है। तो इस तरह है। फिर इसके बाद उसका आता है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, कि प्लेस वैल्यू यानी हर डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो डिजिट जो भी संख्या जिसके स्थान पे होगी वो वहां पे उसकी प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है ना। जैसे लिखा हो 928, तो 8 वंश में आ रहा है यानी कि इकाई के स्थान पे, 2 टेंस यानी दहाई के स्थान पे, और 9 आपका 100 यानी कि उसका अब हमको प्लेस वैल्यू निकालनी है। जैसे तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 900, और 2 की प्लेस वैल्यू क्योंकि टेंस में आ रहा है वो दाई में है, तो 2 × 10 = 20 यानी कि 2 की प्लेस वैल्यू की क्या होगी, 20। और इसके बाद 8 है तो 8 वंश है यानी 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, 8 बन जा 8 क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा। किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। जैसे 0 का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो किसी भी नंबर पे तो 0 आएगा। जैसे 7 खड़ी हो, 7 में